एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान के भड़काऊ बयान पर पलटवार करते हुए योगी सरकार के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि एक हिंदू अपनी पर आ गया तो उस दिन 15 करोड़ महासागर और बंगाल की खाड़ी में दिखाई देंगे और ओवैसी के अब्बा भी रोक नहीं पाएंगे। वहीं राज्य मंत्री ने ओवैसी को चुनौती देते हुए कहा, जब तुम और तुम्हारे अब्बा और अम्मी हज करने दुबई जाते हैं तो पासपोर्ट अपने जीजाओं को दिखाते हैं। ओवीसी को मैं चैलेंज देता हूं कि तुम्हारे अब्बा को भी कब्र से निकलकर कागज दिखाना पड़ेगा, जो नहीं दिखाएगा उसे भारत में नहीं रहने देंगे। बलिया से शशि कुमार की रिपोर्ट। ये बहुत हास्यास्पद है, ओवैसी और उसकी मानसिकता रखने वाले या जो भी ये भाषा बोल रहे हैं, 100 करोड़ 15 करोड़ की, 15 करोड़ नहीं, जिस दिन एक भी हिंदू अपने पर आ गया उस दिन ये 15 करोड़ यहाँ नहीं दिखेंगे, हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में दिखेंगे और ओवैसी और उसके अब्बा भी इसको रोक नहीं पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि एनआरसी और सीए जैसा, एनआरसी और सीए, अभी तो सीए लागू किया है, उस पर अपनी महिलाओं को, अपनी बहन बेटियों के सब सड़क पर उतारे हुए हैं, इन सबों को शर्म नहीं आती है, विरोध करना है तो तुम सीना खोल के आओ। अपने घर की महिलाओं को तो सम्मान से घर में रखा जाता है, केवल एक कानून के भय से ये पूरा परिवार, पूरा घरवार आके सड़क पर आ गया है। जिस दिन हिंदू खड़ा हो जाएगा इनके खिलाफ ये जी नहीं पाएंगे यहाँ। तो ओवैसी जैसे नेता या वारिस पठान जैसे जो बड़बोलेपन वाले नेता हैं, जो एक तरफ संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि इस देश में हम कागज पत्तर नहीं दिखाएंगे, हमारा कागज पत्तर तो चार मीनार है जो हमारे बाप दादा बनाए। अरे मैं उससे बोलता हूँ ओवैसी से कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारी अम्मी जब जाते हैं हज करने के लिए, वहाँ पासपोर्ट वीजा दिखाते कि नहीं दिखाते हैं? वहाँ तुम्हारे जो जीजा हैं बहनोई तुम्हारे वहाँ बैठे हुए हैं दुबई में, अमीरात में, अरब में, वो वीजा तुम्हारे वीजा को आने देते हैं तुमको मूल्य? मैं इस ओवैसी को चैलेंज करता हूं, ये जो बोलता है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, कागज तो कब्र से निकल के उसका अब्बा भी दिखाएंगे, जो कागज नहीं दिखाएगा उसे भारत में नहीं रहने देंगे, ये हमारी चुनौती है। ओवैसी और उसके पार्टी का जो भी ये बयान दिया है, मैं इन सबों को चुनौती देता हूं और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये सभी बुजदिलों की, डरपोकों की औलाद हैं। इनके पुरखे हिंदू थे, तलवार के डर से डर के मुसलमान बने और आज इनकी कोई औकात नहीं, कोई हिम्मत नहीं है। हम लोग तो गुरु गोविंद सिंह के उन साहबजादों के दीवाने हैं, फतेह सिंह और जोरावर सिंह हैं, जिन्होंने औरंगजेब की तलवार से नहीं डरे, इस्लाम स्वीकार नहीं किए और बहादुरी के साथ दीवार में चिनवा देना पसंद किए। लेकिन ये सारे ओवैसी जो बोलता है, जो उसके वारिस पठान बोलता है, ये कमज़ोर डरपोक कायरों की औलादें ये सब हैं। दुर्भाग्य है कि इनके पुरखे हिंदू थे और आज ये मुसलमान बन के, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ओवैसी की पार्टी, ये सारे के सारे वही मुसलमान यहाँ भारत में रुके थे जो साजिश के तहत रुके थे 47 में, फिर से देश को बांटने के लिए, भारत पर इस्लामिक राज कायम करने के लिए। लेकिन मैं चुनौती देता हूँ ओवैसी को, ओवैसी का अब्बा और उसका अब्बा जो कब्र में से भी निकल के आकर के भारत को अब कमज़ोर नहीं कर सकता है, और जो हिंदुत्व की ताकत है, मैं चैलेंज करता हूँ, जिस तरीके से ओवैसी बोलता था ऐसे लोग बोलते थे, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने देंगे, कश्मीर से 370 समाप्त नहीं होने देंगे, करके दिखाया। और आगे वो दिन आएगा जो पाकिस्तान जिंदाबाद ओवैसी की पार्टी के लोग बोलते हैं, उसी पाकिस्तान में भगवा फहराएगा, वो अफगानिस्तान जो हमारा था फिर हमारा होगा, वो बांग्लादेश जो हमारा था हमारा होगा, और हिंदुओं का राज बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में कायम होगा। ओवैसी और उसके पार्टी ओवैसी जैसे गद्दार देशद्रोही, जो हिंदू द्रोही हैं, जो अपने पुरखों का अपमान करते हैं, जिनके पुरखे बुजदिल औरंगजेब को जजिया कर न दे सके, इसके लिए मुसलमान बन गए, यही आज भोंभो कर रहे हैं। जहां ये अकेले रहते हैं मुल्ला, जिन बस्तियों में अकेले रहते हैं हिंदुओं की, जिन बस्तियों में, वहां कमजोर बन के रहते हैं, और जहां तादाद बढ़ती है हिंदुओं का जीना मुश्किल कर देते हैं। ऐसे कमजोर कायर लोग हमें चुनौती नहीं दे सकते हैं, और वो दिन आएगा। यहां पर जो बात करते हैं, भारत में भगवा लहरा रहा है और जो भी हिम्मत कर रहा है भारत और हिंदू के खिलाफ बोलने का, हम उसको मटिया मेट कर देंगे। तो वारिस पठान पे जो उन्होंने कार्रवाई की है ओवैसी ने, वो ये कि सिर्फ मीडिया पर, ये ओवैसी की सब साजिश, ओवैसी पूरी तरीके से पाकिस्तानी है, हिंदू विरोधी है, पूरी तरीके से देश विरोधी है। ये दुर्भाग्य है, हैदराबाद में न जाने कैसे लोग पैदा होते हैं कि सांसद होके ये पार्लियामेंट में चला रहा है, ये देश का अपमान है, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट से बाहर होना चाहिए। और मैं पूरे दावे और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ओवैसी जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों के इरादे कभी भी सफल नहीं होंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी का जब तक भी एक भी कार्यकर्ता
इस भारत की भूमि पर जीवित रहेगा तब तक ओवैसी 15 करोड़ क्या 50 करोड़ भी पूरी दुनिया के सारे मुसलमान भी आकर के भारत को नहीं तोड़ सकते हैं और हिंदुओं को पराजित नहीं कर सकते हैं। हमने संकल्प लिया है, हमने ठाना है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो हमारा था, हिंदुओं का राज था, इन काफिरों के, ये बाबर की औलाद बोलते हैं अपने को, ये हिंदुओं की औलाद हैं। बाबर को ये बोलता है ओवैसी कि जो मस्जिद डिमोलिश हुई, जहां जहां भी मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए गए हैं, वो दिन आएगा उन सारे मस्जिदों को ढा के हम मंदिर बनाएंगे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। आप देख रहे हैं कैसे 370 को हटाया गया, कैसे CA लगाया गया, कैसे 3 तलाक खत्म किया गया और हलाला को भी खत्म करने जा रहे हैं। जिस शरीयत का हवाला लेकर के ये अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं, उस शरीयत में संविधान और मानवता के खिलाफ जो भी हैं उसको हम समाप्त करेंगे और इनके मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। ओवैसी के जो नेता हैं उनका भी बयान इसके साथ ही आया था कि पूरा देश जो है वो कह रहा था कि चूड़ियों को आगे कर दिया, अभी तो शेरनियाँ आगे आई हैं तो इनके पसीने छूट रहे हैं सरकार के, ठीक है, जब शेर बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। मैं तो इस उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ जो इनके शेरनियों की औकात नहीं कही है कि उत्तर प्रदेश में एक धरना प्रदर्शन कर दें। यहाँ पर योगी जी की सरकार है और वो कड़ी कार्रवाई की है, घरों से निकाल के जेलों में डाले गए, पैसे वसूले जा रहे हैं। इनके आगे आने वाली 7 पीढ़ियों की रूह कांप गई है, औकात नहीं इनके अब्बाओं की कब्र से निकल के आकर आतंकवाद कर सकें। तो क्या आपको लगता है कि ओवैसी या फिर जो उनके पार्टी के नेता हैं इनका इलाज क्या है? इनका इलाज है इनको भारत से निकाल करके और इनको भारत से बाहर किया जाएगा। भारत से इनको बाहर किया जाना है, अंतिम वही उपाय है कि जो भी साजिश के तहत 1947 में भारत में रुक गए थे कि हम फिर से भारत को तोड़ेंगे, उनकी साजिशों को हम सफल नहीं होने देंगे और मुंहतोड़ जवाब उनको दिया जा रहा है देंगे।